नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय कोटा, उसके हिंदी विभाग और हिंदी विभाग द्वारा संचालित अनिवार्य हिंदी की इस ई पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत उसके पद्य भाग के पाठ नागार्जुन और उनकी कविता बादल को घिरते देखा है, उसकी चौथी चर्चा चल रही है। इससे पूर्व हम तीन चर्चाएं इस पाठ पर कर चुके हैं। ये चौथी चर्चा प्रश्नोत्तर पर रहेगी। अनिवार्य हिंदी पर हम लगातार प्रत्येक पाठ की एक के बाद एक चर्चा कर रहे हैं और आप लोग निश्चय ही इसे देख रहे होंगे। आप इसे याद करें। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है, नागार्जुन और उनकी कविता, तो नागार्जुन हिंदी के प्रसिद्ध जन कवि है, लोक कवि है और प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वैसे नागार्जुन किसी वाद विशेष से बंधे हुए नहीं रहे, उनमें प्रयोगशीलता भी देखने को मिलती है और नागार्जुन बहुत विद्रोही किस्म के कवि रहे हैं। निराला की भांति उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। बहुत व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। इनके लगभग सभी बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज की जो हमारी चर्चा है, उसका जो केंद्र बिंदु है, वो इस पाठ पर बनने वाले समस्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है, शामिल करने का प्रयास किया है। एक एक करके हम उन प्रश्नों को और उन प्रश्नों के बनने वाले जो उत्तर है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नागार्जुन की काव्य रचनाओं के नाम बताइए। जो उन्होंने काव्य रचनाएं की थी, वैसे उनकी काव्य रचनाएं काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि काव्यधाराएँ हैं, काव्य रचनाएं हैं, उनमें युगधारा, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने आदि उनकी काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। तो क्योंकि नागार्जुन एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी उपन्यासकार भी रहे हैं, जिसमें उन्होंने जनपदीय संस्कृति को मुखरित करने का प्रयास किया है। जनपदीय संस्कृति के वो प्रतिनिधि रचनाकार हैं। उनके प्रमुख उपन्यास है रथीनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे आदि। अगला प्रश्न है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, पंक्ति में तुंग हिमालय से क्या तात्पर्य है। तुंग का अर्थ होता है ऊंचा, अर्थात ऊंचा हिमालय या हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का पूरा नाम या वास्तविक नाम क्या था। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ, और चूंकि इन्होंने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखी थी, रचनाएं की थी, और ये यात्री उपनाम भी बहुत प्रसिद्ध रहा, इसलिए इनके नाम के साथ, वैद्यनाथ मिश्र के साथ, यात्री शब्द भी अनायास ही आ जाता है। इसलिए इनका वास्तविक नाम वैसे वैद्यनाथ मिश्र है और कई स्थानों पर वैद्यनाथ यात्री भी मिलता है, लेकिन वास्तविक नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उत्तर होगा, जून 1910 ग्राम सतलखा मधुबनी दरभंगा बिहार में हुआ था, और ये जो गांव है ये इनका ननिहाल पड़ता है और ननिहाल में ही इनका जन्म हुआ था।
नागार्जुन का संबंध हिंदी में प्रचलित किस वाद से है? हिंदी में जैसे कई सारे वाद प्रचलित हैं, जैसे छायावाद है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, आदि कई वाद प्रचलित है, वाद से संबंधित काव्यधाराएँ हैं। तो यहाँ पर नागार्जुन के संदर्भ में ये स्पष्ट कर देना उचित होगा कि नागार्जुन का जो संबंध है वह प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित था, प्रगतिवादी काव्यधारा से संबंधित था, जिसका प्रणयन 1936 में, शुभारंभ 1936 में हुआ था। वैसे कई स्थानों पर हम प्रगतिशील शब्द भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रगतिशील में ती में छोटी की मात्रा आएगी, आप ध्यान रखिएगा। और एक और भी बात है कि नागार्जुन के काव्य में प्रयोगशीलता भी मिलती है, उन्होंने शिल्प और वस्तु के क्षेत्र में प्रयोग किए हैं, इसलिए उनकी कविताओं में प्रयोगशीलता और प्रगतिवाद का मणिकांचन संयोग भी देखने को मिलता है। तो अगर प्रश्न इस तरह से घुमा फिरा करके आता है तो आप ये ध्यान रखें कि नागार्जुन के कृतित्व में प्रयोगशीलता के पर्याप्त लक्षण मिलते हैं और इस प्रयोगशीलता से उनकी कविताएं बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़ी है। हिंदी में पदार्पण से पूर्व नागार्जुन किस नाम से काव्य रचना किया करते थे या काव्य रचना जो काव्य कविताएं लिखा करते थे? तो उत्तर होगा यात्री उपनाम से। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार हिमालय पर्वत पर हंस किन प्रदेशों से आते हैं? तो उत्तर होगा समतल देशों से, पावस की उमस से परेशान हो करके। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पास नहीं है, पावस है, ये पावस एक ऋतु का नाम है, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। पावस ऋतु की उमस से परेशान हो करके वो आते हैं। अगला प्रश्न है, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, यहाँ बालारुण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा प्रातःकालीन सूर्य या जो सूर्य की लालिमा है, सूर्य की लालिमा से युक्त प्रातःकालीन सूर्य। अगला प्रश्न है, निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का पंक्ति में चकवा चकवी को अभिशप्त क्यों कहा गया है, बेबस क्यों कहा गया है? उत्तर होगा क्योंकि कहा जाता है कि चकवा चकवी रात्रि में बिछुड़ जाते हैं, परस्पर न मिलने का जो शाप उनको मिला हुआ है, इसीलिए उनको अभिशप्त कहा गया है। अगला प्रश्न होगा, बादल को घिरते देखा है कविता में नागार्जुन ने किसका वर्णन किया है? तो उत्तर होगा हिमालय पर्वत के प्राकृतिक प्रदेश का। अब उसके उस प्राकृतिक प्रदेश के कई सारे उपदृश्य नागार्जुन ने इस कविता में उपस्थित किया है या प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखकर नागार्जुन किस कवि को याद करते हैं कविता के अनुसार? तो उत्तर होगा कालिदास को, वो कालिदास को याद करते हैं, कुबेर को याद करते हैं, कुबेर की जो नगरी है अलकापुरी उसको याद करते हैं, और कालिदास ने मेघदूत नामक जो खंडकाव्य लिखा था उसमें उसके जो यक्ष यक्षिणी है उनको याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कवि को, जहाँ तक प्रश्न है कि किस कवि को याद करते हैं, तो उसका उत्तर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है, उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, यहाँ महान सरोवर से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा मान सरोवर, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कवि ने स्वर्णाब शिखरों पर किसे आपस में गरज गरज कर भिड़ते देखा है? तो ये सारी कविता इसी पर अवलंबित है, उन्होंने बादलों को घिरते देखा है, महामेघों को जो कि घिरते हुए गरजते हुए घिरते हुए देखा है। अगला जो प्रश्न है वह है, इंद्रनील की माला डाले शंख सरी के सुघड़ गलों में, कविता के अनुसार इंद्रनील की माला कौन डाले हुए हैं? तो उत्तर होगा किन्नर किन्नरिया, जो कि हिमालय प्रदेश में रहते हैं, वो अपने शंख सरी के सुंदर गले में इंद्रनील की माला डाले हुए हैं।
अगला उत्तर होगा, अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने दुर्गम बर्फानी घाटी में सत सहस्त्र फुट की ऊंचाई पर किसे और किसके पीछे दौड़ते हुए देखा है। तो उत्तर होगा उस युवा कस्तूरी मृग को जो परिमल अर्थात कस्तूरी की गंध के पीछे दौड़ता रहता है, उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है और न दौड़ने पर वह खींचता न मिलने पर खींचता रहता है। अगला प्रश्न होगा, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, काव्य पंक्ति के अनुसार कस्तूरी मृग के चिढ़ने का क्या कारण है। तो उत्तर होगा, स्वयं की नाभि में स्थित कस्तूरी को न पहचान पाने या न मिलने के कारण वह चिढ़ता रहता है, दौड़ लगाता है, न मिलने पर चिढ़ता रहता है। अगला जो प्रश्न है, देखिए, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने शीतल तुहिन कणों को कहाँ गिरते देखा है। तो उत्तर होगा, मान सरोवर के स्वर्णिम कमलों पर। इसे आप मानसरोवर कर लेना, मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर। अगला प्रश्न है, कौन बताए वो छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर, यहाँ छायामय किसको कहा गया है या किसके लिए आया है। तो उत्तर होगा, मेघदूत बने बादल के लिए, या कि मेघदूत के लिए या मेघदूत बने बादल के लिए, जो भी उत्तर रहे आप उसको सही माने। अगला प्रश्न होगा, सेवालों की खालिस्थान पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है कविता की पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उत्तर होगा, सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, हरी दरी। अगला प्रश्न है, कविता में आए प्रसंग के अनुसार मृग छालों पर पलथी मारे कौन बैठे हुए हैं। तो उत्तर होगा, किन्नर किन्नरियाँ। अगला प्रश्न है, उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, यहाँ तुहिन कणों से क्या तात्पर्य है। तो तुहिन कणों का तात्पर्य होगा पाला, कुहरा, तुषार या हिमकण, बर्फ के छोटे छोटे जो कण है मानसरोवर के कमलों पर गिरते रहते हैं और सुंदर लगते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने काशी में रहते हुए किस उपनाम से कविता लिखी। तो उत्तर होगा, वेदेह उपनाम से। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में संकलित बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन के किस काव्य संग्रह से ली गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो याद रखिए, युगधारा जो उनका काव्य संग्रह है उससे ये ली गई है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के पैतृक गाँव का क्या नाम था। तो उनके, क्योंकि निराला के जन्म से संबंधित जब चर्चा करते हैं तो उनके पैतृक गांव का नाम नहीं आता, बल्कि उनके ननिहाल का नाम आता है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि उनके पैतृक गांव का नाम क्या था। तो उसका नाम है तरौनी, ये आप देख लीजिए, तरौनी। आगे देखिए, नागार्जुन ने किस धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो यहाँ पर नागार्जुन ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला जो प्रश्न है, नागार्जुन का बचपन का क्या नाम था, क्योंकि नागार्जुन के बहुत सारे नाम आ गए हैं, यात्री, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, वेदेह आदि, इसलिए यहाँ पर बचपन का नाम भी जानना जरूरी है। तो उनके बचपन का नाम था ठक्कन मिश्र। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने अपना नागार्जुन नाम कहाँ से ग्रहण किया और कब। तो उत्तर होगा, सन 1936 ईस्वी में सिंहल अर्थात श्रीलंका में विद्यालंकार परिवेण में, वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया और अपना नाम भी बदला। बाद में 1941 में के आसपास अपने मित्रों के आग्रह पर उन्होंने नागार्जुन के अलावा किसी भी दूसरे नाम से न लिखने की का मन बनाया था और उसके बाद उन्होंने केवल नागार्जुन के नाम से कविता लिखी है। अगला प्रश्न होगा, नागार्जुन हिंदी से
पूर्व किस भाषा में काव्य रचना किया करते थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वो मैथिली में काव्य रचनाएँ किया करते थे, बिहार के रहने वाले थे और वहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है, मिथिला अंचल के थे, तो इसलिए मैथिली भाषा में काव्य रचनाएँ किया करते थे। मेघदूतम की रचना, मेघदूतम किसकी रचना है? चूँकि इस बादल को घिरते देखा है कविता में कालिदास का जिक्र आया है और मेघदूतम का जो नायक है उसका वर्णन आया है, इसलिए ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इस यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार कालिदास की। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, नागार्जुन की पहली हिंदी रचना किस पत्रिका में छपी थी, रचना का नाम भी बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका उत्तर देखिए। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी, जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्व हिंदू पत्रिका में छपी, विश्व बंधु पत्रिका में छपी थी। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वरुण के बेटे और बाबा बटेश्वर नाथ नामक उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो उत्तर होगा बाबा नागार्जुन। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि नागार्जुन को प्रेम से लोग बाबा के नाम से जानते थे, यानी कि नाम के आगे बाबा लगाया करते थे कि बाबा नागार्जुन। अभी भी साहित्य की पुस्तकों में उनके नाम के आगे बाबा लगा हुआ देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन को प्राप्त पुरस्कारों सम्मान के नाम बताइए, पुरस्कारों या सम्मान के नाम बताइए, उनको काफ़ी पुरस्कार मिले थे, तो यहाँ पर कुछ पुरस्कारों का हम जिक्र कर रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में ये उनको मैथिली भाषा में मिला था, मैथिली भाषा में उत्कृष्ट साहित्य लिखने के लिए मिला था, और ख़ास करके जो रचना है पत्रहीन नग्न गाछ, जो कि मैथिली भाषा की रचना है, मैं नागार्जुन द्वारा रचित, उस पर उनको ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था 1969 में। दूसरा जो पुरस्कार है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, भारत भारती सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त किया जाता है, ये पुरस्कार भी बाबा नागार्जुन को प्राप्त हुआ था। अगला जो सम्मान है वह है मैथिली शरण गुप्त सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बाबा नागार्जुन को मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्राप्त हुआ। अगला जो सम्मान है राजेंद्र शिखर सम्मान 1994, ये बिहार सरकार के द्वारा उन्हें प्रदत्त किया गया। अगला जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से भी उनको नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और जो हमारे पास अंतिम पुरस्कार का नाम है वो है राहुल सांकृत्यायन सम्मान, ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन पर किस विचारधारा का प्रभाव था, तो ये सर्वविदित है कि नागार्जुन पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था, जिसे हिंदी में प्रगतिवादी विचारधारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने अपनी कविताओं में किसका पक्ष लिया है, तो नागार्जुन में एक पक्षकार के रूप में है, और वो पक्ष है पीड़ित शोषित और उपेक्षित जन का। वह हमेशा अपनी कविताओं में पीड़ित शोषित और उपेक्षित जन का पक्ष लेते हैं और साम्राज्यवाद पूंजीवाद का विरोध करते हैं, शोषकों का की उपेक्षा की जो कि आलोचना करते हैं। अगला जो प्रश्न है, द्राक्ष जो बादल को घिरते देखा है कविता में आया हुआ शब्द द्राक्षासव से क्या तात्पर्य है, तो इसका अर्थ होगा अंगूर से बनी हुई शराब, क्योंकि वहाँ के जो किन्नर किन्नरियाँ हैं, यक्ष यक्षिणियाँ हैं, वह अंगूर से बनी हुई शराब का पान करती है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के व्यक्तित्व पर किन साहित्यकारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ा है उसकी दृष्टि से दो नाम हमारे सामने आते हैं, पंडित राहुल सांकृत्यायन एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन दो कवियों के का प्रभाव उनके साहित्यिक व्यक्तित्व पर काफ़ी पड़ा था।
अगला प्रश्न है, भूख का चित्रण करने वाली हिंदी की प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा नागार्जुन। यह कविता एक महत्वपूर्ण कविता है जो भी भूख का बड़ा ही मार्मिक चित्रण करती है। बेबस, अगला प्रश्न है, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, पंक्ति में चकवा चकवी का क्रंदन क्यों बंद हो गया? तो उत्तर होगा सूर्योदय के कारण या रात्रि के समाप्त होने के कारण, क्योंकि सूर्योदय होने पर, रात्रि के खत्म होने पर चकवा चकवी आपस में मिल जाते हैं और उनकी विरहव्यता खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कहीं झीलें हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमने व्याख्या करते समय भी आप लोगों को बताया था कि इस कविता में मानवीकरण अलंकार कई स्थानों पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कंधों शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने हिमालय पर किसको बहुत ढूंढा पर नहीं मिला? तो वह है मेघदूत। वो जो छायामय बादल है, मेघदूत है, जिसका जिक्र कालिदास ने अपने मेघदूत रचना में किया था। अगला प्रश्न है, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है? कवि किसके मध्य कलह छिड़ते देख रहा है? यहाँ पर ये प्रश्न हट जाएगा। कवि किसके मध्य प्रणय कलह छिड़ते देख रहा है? तो उत्तर होगा चकवा और चकवी के मध्य प्रणय कलह छिड़ते हुए उन्होंने देखा है। इस प्रकार नागार्जुन पर हमारी तीन चर्चाएं, जो इस पाठ के ज्ञान से संबंधित, और जो चौथी चर्चा है वह इस संपूर्ण पाठ पर बनने वाले संभावित लघुतरात्मक प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, आपके सामने रखे। ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन जो नागार्जुन पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप जरूर याद रखें कि हिंदी से पहले वो किस भाषा में काव्य रचनाएं किया करते थे, उनकी प्रतिनिधि जो काव्य रचनाएं हैं, युगधारा है, आदि जो काव्य रचनाएं हैं उनके नाम याद रखें, और उनका वास्तविक नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र, और बचपन का नाम क्या था, बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था, किस विचारधारा से संबंधित है, किस विचारधारा का प्रभाव है, किन साहित्यकारों का प्रभाव है, और इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इन चीज़ों का आप जरूर याद रखें। धन्यवाद।